सो हेलो एवरीवन फॉरम एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइनली बी एस नर्सिंग के फॉरम यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के लिए अगर आपको भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज से बी एस नर्सिंग का कोर्स करना है या फिर पैरामेडिकल का कोर्स करना है तो ये फॉरम आप भी अप्लाई कर सकते हो और जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर बी एस नर्सिंग आप कर सकते हो और पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हो सेशन दो और तेईस के लिए जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपके जो मुकेशर है हर एक यूनिवर्सिटी का हर एक स्टेट का फॉर्म आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे करुण फॉर्म एम के चैनल पर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल पूरा फायदा उनको मिलेगा ठीक है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है पूरे फॉर्म की जानकारी उनको मिल पाएगी तो चलिए कौन सी यूनिवर्सिटी का है कौन कौन अप्लाई कर सकता है एंट्रेंस एग्जाम कब है एग्जाम का पैटर्न क्या है कितना नंबर आपको लाना होगा सिलेक्शन पाने के लिए और आपको तैयारी कैसे करनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे पूरा का पूरा टाइम टेबल यहाँ पर जारी कर दिया है गवर्नमेंट द्वारा और ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो कॉलेज है गवर्नमेंट रहने वाला है आपका भी सपना होगा गवर्नमेंट कॉलेज से बी नर्सिंग करना पैरामेडिकल करना तो देखिए फॉर्म 4 अगस्त 2022 से स्टार्ट है जो कि इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 15 दिखा रखी है ठीक है अगस्त दो तो अभी आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का इसके जो एडमिट कार्ड है ये आपको 22 अगस्त को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका 27 अगस्त 2022 को कंडक्ट होने वाला है सैटरडे को ठीक है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर हमको एम चाहिए हमको पी चाहिए सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तो फ्री में मैं आपको दूंगा बट देखो आज दिन तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा बट आज थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप ठीक है थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना होगा अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो आपको करना होगा और फ्री में एम्स क्यूज में आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे या फिर ई मेल ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखो क्योंकि जो गरीब परिवार के बच्चे है क्योंकि वो पैसे पे नहीं कर सकते तो चलो मैंने सोचा कि उनको फ्री में एम्स क्यूज प्रोवाइड करवाया जाए तो थोड़ा सा काम तो आप कर ही सकते हो ठीक है तो ये जो फॉर्म निकले ना अब आप सोच रहे हो सर एक कौन से स्टेट के है तो ये है आपके जैसा कि ऑफिशियली मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए और देखो मैं तो आपको हर एक हर एक यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है आपको उपलब्ध करवाऊंगा तो ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ ठीक है तो ये चंडीगढ़ के फॉर्म यहाँ पर निकल चुके हैं और मैं राजस्थान मध्य प्रदेश ठीक है दिल्ली और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं झारखंड इनका फॉर्म का अपडेट भी अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बट अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए फ्री में एम्स चाहिए तो चलो एक काम आपको करना होगा सो so बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है जहां से आप ऐप डाउनलोड करते हो ठीक है तो यहां पर आपको एम के अकेडमी सर्च करना है तो यहां पर बेसिकली आपको क्या काम करना है देखो आपको रेटिंग यहां पर देनी होगी जैसे आप सर्च करते हो ये ऐप आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है जो ये आपको इमेज दिख रहा है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करते हो तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है अब यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला स्टार है ये वाला इस पर आपको क्लिक करना है यानी कि आपको फाइव स्टार रेटिंग यहाँ पर देनी होगी ताकि मैं आपको फ्री में एम्स क्यूज अवेलेबल करवा सकू अब यहां पर जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है इसमें आपको गुड या नाइस कुछ भी यहाँ पर लिख दे गुड लिख दो ठीक है तो आपको डन यहाँ पे कर देना है और इसके बाद सीधा यहाँ पर सबमिट आपको करना होगा ताकि ये यहाँ पर ऐड हो जाए या फिर ऊपर पोस्ट दिख रहा होगा पोस्ट वाला तो ये रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा जो भी ये काम करेगा उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा जैसे मैंने पोस्ट कर दिया ठीक है तो ये रिकॉर्ड ये आ गया ये डन आपको कर देना है तो ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया अब ये काम जो भी करेगा ना उस विद्यार्थी का मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और उसी को मैं फ्री में यहाँ पर पी बुक्स उपलब्ध करवाऊंगा तो ये काम तो कोई भी कर सकता है चाहे वो गरीब परिवार का बच्चा हो वो भी कर सकता है अमीर परिवार का बच्चा हो वो भी कर सकता है अब ये काम मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको करना होगा ताकि ऐप को अच्छी रेटिंग मिल सके और आपको भी फ्री में पी डी पर मिल सके तो ये काम आपको करना होगा और पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ये रेटिंग दे रहा है इस तरीके से आपको देने फाइव स्टार ठीक है ना चलो वापस फॉरम पे आ जाते हैं अब देखो मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ हर रोज़ हर रात फॉरम हर एक वेबसाइट पे जाना होता है मेरे को हर वेबसाइट पे राजस्थान मध्य प्रदेश यूपी बिहार हजारों में वेबसाइट है उस पर जाना होता है और आपके लिए फॉरम की अपडेट निकाल कर लाना होता है तो इतना सा काम तो आप खुद भी कर सकते हो जो मैंने आपको बताया मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो मेरे लिए इतना सा तो आप कर ही सकते हो मेरे को पक्का यकीन है ठीक है अब देखो रिजल्ट यहाँ पर तेईस को आ जाएगा आपका ठीक है और इसके बाद यहाँ पर बहुत ही फास्ट काम होने वाला है बहुत ही जल्द यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है यानी कि सितंबर में तो आपको यहाँ पर एडमिशन ही मिल जाएगा वो मान के चलो आप ठीक है तो यहाँ पर योग्यता वगैरह देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है और उस ऐप को डाउनलोड कर लेना वहाँ पर आपको इसकी जो कॉलेज है सारी वहां पर मिल जाएगी तो यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है इंडिया का कैंडिडेट आपकी उम्र सत्रह साल यहाँ पर होनी चाहिए और आपका फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ट्वेल्थ में तो आप भी यहां पर अप्लाई कर सकते हो और जनरल कैटेगरी का कम से कम पैंतालीस परसेंटेज यहां पर होना चाहिए एससी कैटेगरी का कम से कम चालीस परसेंटेज यहां पर होना चाहिए अब यहां पर देख लेते हैं एंट्रांस एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का आपका एंट्रांस एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है किस तरीके के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स से कितने केमिस्ट्री से और कितने बायो से सो so, चलिए यहां पर बात कर लेते एग्जाम पैटर्न की जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे सिर्फ आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने 100 क्वेश्चन और जो प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है ठीक है तो यहां पर पूरा का पूरा पेपर आपका सौ नंबर का रहेगा ठीक है अब यहां पर कितने अंक आपको लाने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए उसकी भी बात हम यहां पर करेंगे और सबसे बड़ी खुशी की, की बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग वीडियो को लाइक तो कर दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी ठीक है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप गलत भी करके आते हो ना तो कोई भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा तो मैं तो यही कहूंगा चाहे आपको क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करने हैं ठीक है ओके तो यहां पर जनरल कैटेगरी का कितना होना चाहिए तो हमने बात कर ही ली क्वेश्चन का देख लेते तो बायोलॉजी से पचास क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और मेरे को पता है आप पचास क्वेश्चन जब बायोलॉजी से ही आगे ना तो आप पक्का करके आओगे पैंतालीस क्वेश्चन तो आप आराम से कर दोगे क्योंकि बायोलॉजी सबकी फेवरेट होती है और रही बात फिजिक्स की पच्चीस क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं इसमें तो और केमिस्ट्री से पच्चीस क्वेश्चन बस ये तीन ही सब्जेक्टों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और हंड्रेड परसेंट विश्वास है कि आप आसानी से कर दोगे मान लो पचास क्वेश्चन पैंतालीस इसमें से कर दो आप चालीस कर दो मान लो बायोलॉजी में ठीक है और इसमें पंद्रह पंद्रह भी कर दोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो रहा है आराम से हो रहा है सिलेक्शन तो क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा चालीस प्लस थर्टी सत्तर परसेंटेज हो गया जबकि पास के लिए तो कम से कम सिक्सटी फाइव ही खूब है तो ऐसे आपको सिलेक्शन पाना होता है और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीडीएफ की तो मैंने बता दिया ना फ्री में आपको भेज दूंगा बस आप थोड़ा सा जो मैंने प्रोसेस बताई वहाँ पर रेटिंग अच्छी दे देना आप और उस विद्यार्थी का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा ठीक है तो ये फ्री में, में आपको किताब मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आप तैयारी कर सको 10-15 दिन में अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की तो जो आपका एप्लीकेशन फीस है जनरल वालों का यहाँ पर 2000 लगने वाला है ठीक है और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इनका वन थाउजेंड एप्लीकेशन फीस यहां पर लगने वाला है फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना होगा और कैसे भरना है चलो मैं आपको दिखा देता हूं ऑफिसियली वेबसाइट पे जाके जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट वेबसाइट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चंडीगढ़ इंडिया ठीक है और चिंता मत कीजिए बहुत ही जल्द राजस्थान के आने वाले हैं पंद्रह दिन का टाइम रह गया मध्य प्रदेश का अगले महीने में आ जाएगा ठीक है रही बात दिल्ली की तो दिल्ली वालों के लिए पंद्रह अगस्त के बाद फॉर्म आ जाएंगे और रही बात आपके झारखंड की ये तो बस दस दिन बाद निकलने वाले है तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको अवेलेबल करवाऊंगा यहाँ पर बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए अब यहाँ पर देखो ऑफिशियली हम आ चुके हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो यहां से एडमिशन पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पंजीकरण कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ना पंजीकरण वाला ऑप्शन ये वाला तो यहीं से आपको क्या करना है पंजीकरण और रही बात लिंक की तो लिंक तो मैं आपको एम के पर भेज दूंगा टेलीग्राम पर भेज दूंगा दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा और इसको फॉलो अवश्य कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का भी और एम के एस अकेडमी ऐप का भी वहीं पर आपको पी मिलेगा और लिंक मिलेगा ठीक है ना ओके तो आपको बेसिकली क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे तो ये फॉर्म आपका ओपन हो गया तो यही आपको भरना है नाम मिडल नेम लास्ट नेम जेंडर आपका जो भी है मेल फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ना यूज़र आई आपको भरनी होगी क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ये आपको बनानी होगी साइबर केब पॉलिसी भी आप बनवा सकते हो अगर आप कमेंट करोगे कि सर एक स्पेशल वीडियो बना दो कि अप्लाई कैसे करें तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा बट देखो तैयारी करनी है ना तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के एम्स गोज पी आपको पढ़ने होंगे और ये मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा बट ये उन्हीं विद्यार्थी को मिलेगा जिन्होंने फाइव स्टार रेटिंग दी होगी सो so, अगर आपको भी फ्री में पीडीएफ चाहिए और हमारा सपोर्ट चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है सर्च करना है एम के और ये इस पर आपको क्लिक करना है दोबारा तो ये नीचे इस तरीके की रेटिंग आपको देनी होगी फाइव स्टार और आपका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा कि कौन कौन विद्यार्थी है जिन्होंने यहाँ पर फाइव स्टार रेटिंग दी है तो जल्द से ये काम आप कर लो और फ्री में पी डी एफ पा लो मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा धन्यवाद